नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 सितंबर के जो भी प्रमुख करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न बना है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किसको आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, किसको जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पहले बैंक अकाउंट को तो बहुत पहले अनिवार्य कर दिया गया था, राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया था, अब बचा पैन कार्ड और पहचान पत्र। तो दोस्तों, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाला है या फिर जो निर्णय सुना है वह पैन कार्ड से रिलेटेड सुना है, यानी कि पैन कार्ड को अब आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैन कार्ड। और दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पर, जो स्कूल में एडमिशन के समय आधार कार्ड अनिवार्य था उसको अब अनिवार्य नहीं है। आपके बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं भी है तो भी आप स्कूल में एडमिशन ले सकते थे। पहले यह अनिवार्य था लेकिन अब इसकी अनिवार्यता खत्म हो गई है, लेकिन पैन कार्ड को जोड़ना या लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 28वीं जीवी मंगलम कर शूटिंग चैंपियनशिप 2018 में वीपी सिंह बदनौर ने रजत पदक हासिल किया है, वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं, वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अभी यह पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं। कौन? पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस राज्य में दो तटीय पर्यटन परियोजनाओं की शुरुआत की है। उपराष्ट्रपति द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस राज्य में दो तटीय पर्यटन परियोजनाओं की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बना है, सुप्रीम कोर्ट में भारतीय अदालतों में खुली अदालत नामक अवधारणा को लागू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया है कि लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग संभव होगी, यानी कि जो भी वहां पर फैसला चलेगा या फिर बहस चलेगी, जिसे आप दलील बोलते हैं, भाई साहब आप टीवी पर या फिर मोबाइल पर यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं, डायरेक्ट लाइव चलेगी कि क्या हो रहा है कोर्ट के अंदर। इसके इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि लाइव टेलीकास्ट हो सकेगा या लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग संभव होगी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बना, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस अवधि को नेल्सन मंडेला दशक के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, यह घोषणा की गई है 2019 से 2028 तक का यह दशक रहेगा, यह नेल्सन मंडेला दशक के रूप में मनाया जाएगा। कौन सा? 2019 से 2028 तक का। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किस शहर में स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का उद्घाटन किया गया है। स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का उद्घाटन किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि है जयपुर में किया गया है। कहाँ पर? इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी की आवाज के रूप में प्रसिद्ध किस कमेंटेटर का हाल ही में निधन हो गया। हाँ, सुबह दोस्तों कमेंटेटर हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी जसदेव सिंह।
दोस्तों जस देव से है, यह हॉकी के कमेंटेटर थे और इनका यह कमेंट्री सुनाते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए किस मशीन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? कौन सी मशीन है जो दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उद्घाटन किया गया है? उस मशीन का नाम क्या है दोस्तों? उस मशीन का नाम है वायु मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वायु मशीन। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस देश की टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अपस्ट्रीम कॉमर्स का अधिग्रहण किया है? दोस्तों किस कंपनी, यह देश की कंपनी है, उसका अधिग्रहण किया है, किस देश की है? ये दोस्तों इसराइल की देश की कंपनी है, स्टार्ट अप अपस्ट्रीम कॉमर्स, कहाँ की? इसराइल देश की कंपनी है और इसे फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहण किया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेता को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान ताइक्वांडो में डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? कौन सी? डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह अभिनेता का नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोनू सूद को डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।